Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IES. So in the previous class, we had started with chapter 2, in which we are studying various independent states that came up in the 18th century when the Mughal Empire, it started to disintegrate. So we have covered various states like Hyderabad, Bengal, and now we will be covering Mysore. So next to Hyderabad, the most important power that emerged in South India was Mysore under Hyder Ali. तो आपने ये नाम सुने होंगे, हैदर अली, टीपू सुल्तान, तो वो सारे कहां के रूलर्स थे? मैसूर के. तो कौन से? हैदर अली के अंडर ये जो मैसूर है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट वो डेवलप हुआ. अर्ली इन दी 18th सेंचुरी टू मिनिस्टर्स, बट हैदर अली से पहले वहां पे एक दो मिनिस्टर्स थे जिनका नाम था नंजराज एंड देवराज. तो दे हैड सीज्ड पार इन मैसूर, रिड्यूसिंग द किंग चिका कृष्ण राजा टू अ मेयर पपेट. तो वहाँ पे राजा कौन थे मैसूर में पहले? किंग चिका कृष्ण राजा. तो उनके दो मिनिस्टर्स थे नंजराज एंड देवराज, उन्होंने इस राजा को एक मेयर पपेट बना लिया था. पपेट क्या होता है? कठपुतली, जैसे बोलना, जैसे इशारों पे नचाना टाइप्स. तो वो जो राजा थे वो इनके इशारों पे ही नाचते थे. हैदर अली जो थे, ही वॉज बॉर्न इन 1721 इन एन ऑब्सक्योर फैमिली, स्टार्टेड हिज करियर एज अ पेटी ऑफिसर इन दी मैसूर आर्मी. तो मैसूर आर्मी से हैदर अली ने अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया. बट आर्मी में रहते हुए उन्होंने ये चीज़ समझ ली कि वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग जो है, जो वेस्टर्न मेथड्स हैं जो आर्मी के या ट्रेनिंग के, उनकी इम्पोर्टेंस जो है, उनके जो वेपन्स थे, उनकी जो सारी एक एक ट्रेनिंग होती है, उनको एक जो काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है उस चीज़ में, स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है, तो वो चीज़ें उनको समझ में आ गया कि उनकी क्या एडवांटेज थी. इसीलिए उन्होंने मॉडर्न आर्सेनल एस्टैब्लिश किया इन दिंदिकुल इन 1755 विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट्स. तो क्या उन्होंने मॉडर्न आर्सेनल इन दिंदिकुल एस्टैब्लिश किया इन 1755, सारे वो मॉडर्न वेपन्स वगैरह ये सब चीज़ों से. इन 1761 ही ओवर थ्रू नंजराज, फिर जो फाइनली वो मिनिस्टर्स थे नंजराज वगैरह, उन्होंने हैदर अली ने उनको 1761 में ओवर थ्रो किया एंड एस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर द मैसूर स्टेट. He died in 1782 in the course of the Second Anglo-Mysore War and was succeeded by his son Tipu Sultan. तो Second Anglo-Mysore War हुआ. ये जो सारे wars हैं ना, इनको हम detail में अलग से classes में cover करेंगे. First Anglo-Mysore War, second था, third भी था. तो ये जो सारे हैं उनमें क्या क्या हुआ, किसके बीच में ये wars हुए थे, वो सारे हम अलग से separate classes में we will be covering them. और उनसे जो related क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि वॉर्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, वो आल्सो हम उन्हीं क्लासेस में वी विल कवर दैट. तो हैदर अली को सक्सीड किन्होंने किया? उनके सन टीपू सुल्तान ने. सुल्तान टीपू हु रूल्ड मैसूर टिल हिज डेथ एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश इन 1799 वाज अ मैन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. वो एक काफी इनोवेटर टाइप्स थे, काफी चीजें, एक नया कैलेंडर लेके आए वो, न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज लेके आए, न्यू स्केल्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लेके आए. अब ये जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, वो एक नया कैलेंडर, ये सारी चीज़ें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय टीपू सुल्तान. तो काफ़ी चीज़ें ही इंट्रोड्यूस्ड, न्यू कॉइनेज सिस्टम, दिस दिस दिस. तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, हिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. तो ये चीज़ें वो लेके आए. तो उन्होंने क्या कहते हैं, ही शोड अ कीन इंटरेस्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. एक ट्री ऑफ लिबर्टी उन्होंने प्लांट किया एट श्रीरंगापट्टनम, जैकोबियन क्लब के मेंबर बने वो. और ये जो एक कस्टम था ना जागीर्स देने का, उसको भी इन्होंने ख़त्म किया. और इससे उन्होंने स्टेट की जो इनकम थी वो बढ़ाने की कोशिश करी. फिर ये जो ही ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द हेरिडिट्री पोजेशन ऑफ द पॉलीगार्ड्स. ये जो सारी हेरिडिट्री में ही आगे जमींदारों के पास चली जाती थी चीजें, वो आगे अपने ये जो जमींदार होते थे ना जिनको लैंड मिलती थी, वो अपने ही हेरिडिट्री आगे अपने बेटे को, अपने ही फैमिली में आगे वो उसको ट्रांसफर करते रहते थे. तो ये जो सारी चीजें थी वो टीपू सुल्तान ने खत्म करने की कोशिश करी.
He made efforts to build a modern navy after 1796. So as a statesman, he more than any other ruler recognized to the full extent the threat of the English that the English posed. तो जैसे हमने पीछे हैदराबाद के निज़म के बारे में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ी, बंगाल के नवाब्स के बारे में हमने अच्छी चीज़ें पढ़ी, बट एंड में हमने ये देखा कि वो जो सारे रूलर्स थे वो एक चीज़ में पीछे रह गए. ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर बाकी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके वो लोग जो थ्रेट पोज कर रहे थे या फिर उनके जो इरादे थे उनको वो समझ नहीं पाए. लेकिन जो टीपू सुल्तान थे, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ब्रिटिश के द्वारा जो थ्रेट आने वाला था उसको समझा, वो टीपू सुल्तान ने समझा था. टीपू ऑल्सो सीम्स टू हैव ग्रास्प द मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्री. तो ये सारी चीज़ें भी टीपू सुल्तान ने समझी. Next is Kerala. The kingdom of Travancore rose into prominence after 1729 under the King Marthanda Varma of the leading statesmen of the 18th century. So, ye king the Kerala ke. He organized a strong army on the western model with the help of European officers and armed it with modern weapons. So, ye bhi modern weapons ke kaafi support mein the. By 1763, all the petty principalities of Kerala had been absorbed and subordinated by three big states of Cochin, Travancore and Calicut. तो ये तीन बड़े स्टेट्स थे केरला के जो उस टाइम पे राइज हुए. हैदर अली बिगेन हिज इन्वेजन, क्योंकि वहीं पे मैसूर था, नीचे केरला था, तो हैदर अली इसको भी कैप्चर करना चाहते थे. तो ही बिगेन हिज इन्वेजन ऑफ केरला इन 1766 एंड इन द एंड नेक्स्ट नॉर्दर्न केरला अप टू कोचिन इंक्लूडिंग द टेरिटरीज ऑफ ज़ेमोरिन ऑफ कैलिकट. तो यहाँ तक नॉर्दर्न केरला तक उन्होंने जो टेरिटरीज थी वो ऑक्यूपाई कर ली थी. The 18th century saw a remarkable revival in the Malayalam literature. तो आर्ट एंड कल्चर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मलयालम कल्चर का रिवाइवल हुआ था 18th century में. ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो राजास थे उस टाइम पे, चीफ्स थे उस टाइम के, देवर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लिटरेचर. वो सपोर्ट करते थे इन चीज़ों को, खुद भी देवर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स. त्रिवेंद्रम द कैपिटल ऑफ ट्रावनकोर बिकेम द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अ फेमस सेंटर फॉर संस्कृत स्कॉलरशिप. तो ये भी चीज़ आई. राम वर्मा सक्सेसर ऑफ मारतांडा वर्मा वॉज हिमसेल्फ अ पोएट. वो खुद पोएट्स थे, स्कॉलर्स थे, म्यूजिशियंस थे, रिनाउंड एक्टर थे एंड अ मैन ऑफ ग्रेट कल्चर. तो इन सारी चीज़ों में वो खुद इन्वॉल्व थे जो रूलर्स थे, इसीलिए जो मलयालम लिटरेचर था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ 18th सेंचुरी में. ही कन्वर्स्ड फ्लुएंटली इन इंग्लिश, टुक अ कीन इंटरेस्ट इन यूरोपियन अफेयर्स एंड रेगुलरली रेड न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स पब्लिश्ड इन लंडन, कैलकटा एंड मद्रास. तो इस तरीके से उनका, क्योंकि सपोर्ट था किंग्स था उस किंग्स का, उस वजह से मलयालम लिटरेचर ने 18th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया. Next is areas around Delhi. So first is the Rajput states. The principal Rajput states took advantage of the growing weakness of the Mughal power to virtually free themselves from central control while at the same time increasing their influence in the rest of the empire. So same चीज जो Rajput kings थे उन्होंने भी same चीज करने की कोशिश करी, अपने जो states थे उनको independent बनाने की कोशिश करी. The Rajputana states continued to be as divided as before. Most of the largest Rajput states were always involved in petty quarrels and civil wars. So let me tell you one thing here. ये जो Rajput rulers थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आगे आ सकते थे, एक एम्पायर इस्टेब्लिश कर सकते थे, बट इनकी मेन वीकनेस क्या थी कि ये आपस में बहुत ज़्यादा छोटी मोटी लड़ाइयों में ये इन्वॉल्व होते थे, आपस में ही इनकी नहीं बनती थी. इस ये जो है ये मेन वीकनेस थी राजपूत रूलर्स की, वो आपस में ही पिटी क्वेल्स लड़ाइयों में वो लोग इन्वॉल्व रहते थे. उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी ना, उनकी जो बीच की ही पॉलिटिक्स थी वो ही खराब थी. वो यूनाइटेड होके कभी भी दुश्मन के अगेंस्ट नहीं लड़ पाए क्योंकि उनकी बीच में ही काफी छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती थी. ये जो है ये मेन वीकनेस थी इनकी.
The internal politics of these states were often characterized by the same type of corruption, intrigue and treachery. तो आपस में ही उनके धोखाधड़ी ये सारी चीजें चलती रहती थी. Thus, अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ वॉज किल्ड बाई हिज ओन सन. उनके अपने बेटे ने ही, जो अजीत सिंह के बेटे थे, उनके बेटे ने ही अपने जो पापा थे उनको उन्होंने मार दिया था. तो अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ वॉज किल्ड बाई हिज ओन सन. The most outstanding Rajput ruler of the 18th century was Raja Sowai Jai Singh of Amber. So, ये काफी famous ruler थे. He was a distinguished statesman, lawmaker and reformer. He founded the city of Jaipur. तो जयपुर जो है वो राजा सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर ने found किया था. In the territory taken from the Jats and made it a great seat of science and art. जय सिंह अबव एवरीथिंग वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनमर. तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि उन्होंने अपनी ये जो एस्ट्रोनमर थे तो उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी काफ़ी, तो कहाँ पे बनाई थी, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में. तो जय सिंह अबव एवरीथिंग वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनमर. ही इरेक्टेड ऑब्जर्वेटरीज विद एक्यूरेट एंड एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड सम ऑफ देम हिज ओन इन्वेंशंस एट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एंड मथुरा. तो ये जो है ये याद रखने की कोशिश कर रहा है. ही ड्रू अप अ सेट ऑफ टेबल्स एंटाइटल्ड जिद मोहम्मद शाही टू एनेबल पीपल टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन. तो ये साइंस वगैरह इस सब में काफी इंटरेस्ट रखते थे राजा सवाई जय सिंह. He had useless elements of geometry translated into Sanskrit as also several works on trigonometry and Napier's work on the construction and use of logarithms. तो इन सब चीज़ों को उन्होंने संस्कृत में कन्वर्ट किया. ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी मैथ्स वगैरह, ज्योमेट्री को इन्होंने संस्कृत में कन्वर्ट किया. जय सिंह वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर. तो साइंस में इंटरेस्ट रखने के अलावा ही वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर. ही ट्राइड टू एनफोर्स अ लॉ टू रिड्यूस द लैविश एक्सपेंडिचर विच अ राजपूत हैड टू इनकर ऑन अ डॉटर्स वेडिंग एंड विच ऑफन लेड टू इन्फेंटिसाइड. तो ये जो लैविश एक्सपेंडिचर्स होते थे शादियों के ऊपर, उनको उस खर्चे को उन्होंने कम करने की कोशिश करी. दिस रिमार्केबल प्रिंस रूल्ड जयपुर फॉर नियरली 44 ईयर्स फ्रॉम 1699 टू 1743. तो दिस वॉज अबाउट द राजपूत रूलर्स. नेक्स्ट इज द जाट्स. जाट्स इज अ कास्ट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट लिव्ड इन द रीजन अराउंड दिल्ली, आगरा एंड मथुरा. तो दिल्ली, आगरा, मथुरा वाला जो रीजन था उसके अराउंड ही ये जाट्स जो है वो रहते थे, जो कि बेसिकली कौन थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे. द जाट पावर रीच्ड इट्स हाईएस्ट ग्लोरी अंडर सूरजमल हु रूल्ड फ्रॉम 1756 to 1763, who was an extremely able administrator. He extended his authority over a large area which extended from the Ganga in the east to Chambal in the south, the Suba of Agra in the west and Suba of Delhi in the north. So, काफी जगह इन्होंने अपनी territory को extend किया था. But he died in 1763 and after his death, the Jat state declined and was split among petty zamindars, most of whom lived by plunder. तो ऐसे ही होता था, काफी मतलब independent states तो बन और उसके जो रूलर्स थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थे, काफी उन्होंने अच्छे मेजर्स लेके आए, बट जैसे ही उनकी डेथ होती थी तो आगे कोई अच्छे रूलर्स थे नहीं. तो इन्हीं सब चीजों की वजह से आगे जाके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरी अच्छी तरह से कब्जा किया था. नेक्स्ट इज बंगाश पठान्स एंड द रोहिल्लास. मोहम्मद खान बंगाश एंड अफगान एडवेंचरर. तो ये मोहम्मद खान बंगाश क्या थे, अफगान एडवेंचरर थे. ही एस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर द टेरिटरी अराउंड फारूखाबाद बिटवीन व्हाट आर नाउ अलीगढ़ एंड कानपुर, जहाँ हैं आज के, ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ फारूक सियार एंड मोहम्मद शाह. Similarly, during the breakdown of administration following Nadir Shah's invasion, Muhammad Khan carved out a separate principality known as Rohilkhand. तो एक Rohilkhand इन्होंने बनाया था, और वो Rohilkhand कहाँ पे था, इससे related भी काफी questions आए हैं.
जो हिमालयस थे, हिमालयस के फुटहिल्स पे था, एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस विद इट्स फर्स्ट कैपिटल एट ओलान इन बरेली एंड लेटर एट रामपुर. तो यहाँ पे क्या था, रोहिलखंड का कैपिटल था. दो रोहिलियस कॉन्स्टेंटली क्लैश्ड विद अवध, दिल्ली एंड जाट. सो वहाँ पे और उसी एरियाज में अराउंड क्या थे, जाट्स थे. तो उनके साथ कॉन्स्टेंटली इनका जो क्लैश है वो होता रहता था. सो इन मैप में ये दिखाया हुआ है रोहिलखंड जो है एरिया, तो इस एरिया में रोहिलखंड था. नेक्स्ट इज द सिक्स, फाउंडेड एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी बाय गुरु नानक, द सिख रिलीजन स्प्रेड अमंग द जाट पीजेंट्री एंड अदर लोअर कास्ट ऑफ द पंजाब. तो ये जो रिलीजन है वो गुरु नानक देव जी ने फाउंड किया था इन द 15th सेंचुरी, और सोन ये स्प्रेड हो गया था जो जाट पीजेंट्स थे और बाकी लोअर कास्ट के लोग थे पंजाब में, उनके बीच में ये जो रिलीजन था वो स्प्रेड हो गया था. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिक्स इंटू अ मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी वॉज बिगन बाय गुरु गोबिंद. तो गुरु नानक जी से लेके जो गुरु हरगोबिंद तक, तो क्या था कि फाइटिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे सिख, बट जो गुरु हरगोबिंद जी आए थे उन्होंने सिखों को एक मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया था 1606 से लेके 1645 में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी. इट वॉज हाउ एवर अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, जो कि 10th गुरु थे एंड जो और लास्ट गुरु थे, दे बिकेम अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स. तो ये मिलिटेंसी, ये जो मिलिटेंट फोर्स एक बनाया था, स्टार्ट गुरु हरगोबिंद सिंह ने किया था, बट गुरु गोबिंद सिंह जी ने, नेम्स में कन्फ्यूज नहीं होना, ही वॉज गुरु हरगोबिंद एंड ये जो 10th गुरु थे वो है गुरु गोबिंद सिंह जी. तो उन्होंने उनको एक सिखों को किस में पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पूरी एक फोर्स बना दी थी, उसमें इन्होंने कन्वर्ट किया था टू द सिक्स. फ्रॉम 1699 ऑनवर्ड्स गुरु गोबिंद सिंह वेज्ड कॉन्स्टेंट वॉर अगेंस्ट द आर्मीज ऑफ औरंगजेब एंड द हिल राजास. तो उसके बाद क्योंकि सिख एक प्रॉपर मिलिट्री फोर्स बन चुके थे, फिर इन्होंने काफी ज्यादा जो वॉर्स है फाइट करी थी विद द आर्मीज ऑफ औरंगजेब. आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह डेथ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप केम टू एन एंड. तो जो 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह वो लास्ट थे, उसके बाद ये गुरुशिप का जो इंस्टीट्यूशन था वो एंड हो गया था, कोई 11th 12th 13th गुरु नहीं बने थे. केम टू एन एंड एंड द लीडरशिप ऑफ द सिक्स पास्ड टू हिज ट्रस्टेड डिसाइपल बंदा सिंह, हु इज मोर वाइडली नोन एज बंदा बहादुर. तो उसके बाद जो ये पूरी कमांड थी किसके हाथ में आ गई थी, गुरु गोबिंद सिंह के जो डिसाइपल थे बंदा सिंह बहादुर, उनके हाथ में आ गई थी. बंदा रैलीड टूगेदर द सिख पीजेंट्स ऑफ द पंजाब एंड कैरिड ऑन अ विगरस दो अनईक्वल स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल आर्मी फॉर 8 ईयर्स. ही वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड पुट टू डेथ. तो बाद में 1750 में इनको भी कैप्चर कर लिया गया था. हिज डेथ गेव अ सेटबैक टू द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ द सिक्स एंड द पावर डिक्लाइंड. तो जब तक तो बंदा बहादुर थे, काफ़ी ज़्यादा जो किंगडम है वो एक्सपैंड किया सिख ने, सिख लोगों ने, लेकिन उसके बाद बंदा बहादुर की डेथ के बाद फिर से एक सेटबैक आ गया था. जो एक ड्रीम था इनका एक्सपेंशन करने का, वो फिर से जो ड्रीम था वो खत्म हो गया था. द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली एंड द कॉन्सिक्वेंट डिसलोकेशन ऑफ पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन गेव द सिक्स एंड अपॉर्चुनिटी टू राइज वंस अगेन. बट उसी टाइम पे फिर नादिर शाह की इन्वेजन हुए, अहमद शाह अब्दाली, ये सारे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो ये जो फॉरन इन्वेडर्स तब आए, फिर से जो मुगल एम्पायर था उसका ध्यान कहीं और चला गया था, और सिख लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा, और उसके बाद उन्होंने वापस से जो अपना जो होल्ड था वो बनाया. बिटवीन 1765 एंड 1800 दे ब्रॉट द पंजाब एंड जम्मू अंडर देयर कंट्रोल. तो वापस से उन्होंने एक्सपैंड किया, क्योंकि ये जो इन्वेजन्स हुए थे ना नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल फैल गया था, काफ़ी ज़्यादा क्योस था, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था ऑल अराउंड. तो उस चीज़ का फ़ायदा सिख लोगों ने उठाया और उन्होंने जो अपना किंगडम था वो काफ़ी ज़्यादा फैलाया.
जम्मू को वो अपने कंट्रोल में लेके आए. द सिक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 मिसल्स और कन्फेडरेसीज व्हिच ऑपरेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस. तो उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक 12 मिसल्स बोला जाता है, एक 12 ग्रुप्स में उन्होंने खुद को डिवाइड किया था. दीज मिसल्स फुली कोऑपरेटेड विद ईच अदर. दे वर ओरिजिनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी विद ऑल मेंबर्स हैविंग एन इक्वल वॉइस इन डिसाइडिंग द अफेयर्स ऑफ अ मिसल एंड इन इलेक्टिंग इट्स चीफ एंड अदर ऑफिसर्स. तो ये जो मिसल्स थे ना, 12 मिसल्स थी, तो ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी. मतलब सबकी इक्वल, सबको इक्वालिटी दी जाती थी बोलने में, और फिर हर मिसल का एक चीफ होता था, उसको इलेक्ट करने में सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी. Gradually, the democratic character of the missile disappeared and powerful chiefs dominated them. But वही with time ये जो सारे equality के principles थे ये सारे deteriorate होने लगे, और जो powerful chiefs थे उन्होंने उसको dominate करना शुरू कर दिया. Corruption वगैरह वो सब चीज़ें बढ़ गई. The spirit of brotherhood and unity of the Khalsa also disappeared. तो जिस unity के लिए ये जाने जाते थे वो भी धीरे धीरे disappear होनी शुरू हो गई. As the chief constantly quarreled with one another and set themselves up as independent chieftains. तो वो सारे भी फिर इनके जो चीफ थे मिसल्स के, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया, जिस वजह सिख एम्पायर का भी जो डाउनफॉल है वो होना शुरू हो गया. पंजाब अंडर रंजीत सिंह. तो बंदा सिंह बहादुर की डेथ के बाद फाइनली एक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर आए, जिन जो है रंजीत सिंह. सो एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी रंजीत सिंह, जो कि किसके चीफ थे, सुखेर चकिया मिसल के. हमने अभी पढ़ा कि 12 मिसल्स थी, तो उसमें से जो एक मिसल थी उसके चीफ कौन थे, रंजीत सिंह, और वो कौन सी मिसल थी, सुखेर चकिया मिसल. तो एंड ऑफ 18th सेंचुरी में ये जो मिसल है वो राइज हुई. Strong and courageous soldier, an efficient administrator and a skillful diplomat, he was a born leader of men. तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लीडर जाने जाते थे ये. उन्होंने लाहौर को कैप्चर किया 1799 में, फिर इन्होंने अमृतसर को कैप्चर किया 1802 में. ही बिल्ट अ पावरफुल डिसिप्लिन्ड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी अलोंग यूरोपियन लाइन विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स. तो यूरोपियन की हेल्प से ही उन्होंने एक जो अपनी आर्मी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी उन्होंने खड़ी करी यूरोपियन लाइन पे ही. उनके टैक्टिक्स, उनके वेपन्स वगैरह सारी चीजें उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई. हिज न्यू आर्मी वॉज नॉट कन्फाइंड टू द सिख्स. सिर्फ सिख पीपल उन्होंने उसमें इंक्लूड नहीं किए थे. ही ऑल्सो रिक्रूटेड गोरखाज, बिहारीज, ओडियाज, पठानज, डोगराज एंड पंजाबी मुस्लिम्स. तो सिख की तरफ ये सिर्फ कन्फाइंड नहीं थी, काफी और लोग भी इनकी जो आर्मी थी, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी में इंक्लूडेड थे काफी ज्यादा लोग. He made set up to manufacture cannon at Lahore and employed Muslim gunners to man them. It is said that he possessed the second best army in Asia, the first being the army of English East India Company. तो सोचो कितनी strong army होएगी कि English East India Company की army के बाद ये जो रंजीत सिंह के under जो सिख army थी, उनकी जो army थी उसको second best army Asia में उस time पे बोला जाता था. He was tolerant and liberal in religious matters. तो ये भी बाकी rulers की तरह religious थे, secular थे, sorry secular थे religious matters में. By his diplomatic realism and military strength, he temporarily saved his kingdom from English encroachment. तो ये काफ़ी strong leader थे, एक काफ़ी able diplomat थे, और उस वजह से इन्होंने English की जो encroachment थी, इनका जो English हर जगह जो अपनी बनाने की कोशिश करते थे, अपना पाँव दबाने की कोशिश करते थे, रखने की कोशिश करते थे, उससे उन्होंने बचा के रखा काफ़ी time तक. रंजीत सिंह ने जो सिख का जो टेरिटरी थी उसको बचा के रखा उन्होंने इंग्लिश एनक्रोचमेंट से.